शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ, अब ये होश में नहीं थी। मैंने से आदमी सिर्फ झोपड़े बना सकता है भाभी। तुम्हारा हिसाब अगर मेरी मौत से चुकता हो तो चुका लो शानी सेठ। हाँ तो बच्चों, मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना। अरे तो फिर क्या सुना है तुमने दुनिया में? मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस भी कांपती है और पब्लिक भी। बाजार से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लग गया, बाजार खाली हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर? अरे फिर क्या, आज उसकी मौत आई थी जो हमसे उलझ गया। वो कैसे? वो ऐसे कि सरकार की तरह वो सारी दुनिया से टैक्स लेता फिरता है, दुकानदारों से टैक्स, ठेले वालों से टैक्स, पाटली वालों से टैक्स। आज हमसे टैक्स मांगने चला है, पूछो किस बात का? किस बात का? सड़क पे चलने का टैक्स। अच्छा? अरे हमने कहा भैया और लोग भी तो सड़क पे चलते हैं, उनसे क्यों नहीं टैक्स लेते, हम ही से क्यों ले रहे हो? कहने लगा तुम्हारी टांगे ज्यादा लंबी है, सड़क ज्यादा घिसती, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा। बस इसी बात पे हो गया मामला शुरू। छूटते उसने हमारी गर्दन पकड़ ली। फिर क्या, जो हमने टंगड़ी लगाकर कैंची मारी और घुमा के जो हाथ दिया तो चारों खाने चित, आंखें फिर गईं, मोशा झाग निकलने लग गया। फिर क्या हुआ कल्लू? इतने में क्या देखता हूँ कि उसका कुत्ता वहां चला है, और कुत्ता भी कौन सा कुत्ता? कौन सा? अलसेसन कुत्ता। अच्छा? हाँ, ये बड़ा साइज उसका, बब्बर शेर से भी बड़ा। वो मुझे देख के गुर्राया, मैं उसको देख के गुर्राया। फिर वो भी अपने मालिक की तरह मेरी गर्दन की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नाखून मेरी गर्दन में डाल सके, मैंने अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल के जो खींचा है तो शरीर के दो टुकड़े हो गए। फिर भाग में करो। अरे भागे, अरे भागे, अरे भागे, अरे 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 अरे। अरे 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 we'll be right back.
आप कौन रहा है? अरे मालूम है आज बाजार में क्या हुआ? क्या हुआ? मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना। अरे फिर क्या सुना है तुमने? मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से पुलिस भी डरती है और पब्लिक भी। बाजार से एक बार गुजर जाए तो ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लग गया है, बाजार खाली हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर क्या उसकी मौत आई थी जो हमसे उड़ा? अरे अरे आ गया सर, आ गया सर। फिर क्या हुआ कल्लू? भाभी भाभी वो चाचू तुम्हारा दोस्त चला गया, अब बाहर आ जाओ। चला नहीं गया, भाग गया है साले, डरता है हमसे। तुमसे तो सारी दुनिया डरती है, पर तुम आलू लेने गए थे। हाँ वो तो मैं भूल गया भाभी, बस यूं समझो यूं गया और यूं आया। मुन्नी कैसी है? क्या अरे चाची क्या बात है, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। अरे तुम्हें नहीं मालूम रामदीन के घर बच्चा होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं, शायद हमारी जरूरत पड़ जाए। तुम्हारी जरूरत अंदर नहीं बाहर है, हो सके तो रामदीन की मदद करो। भैया रामदीन क्या बात, अरे घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा तो ये पहला बच्चा है ना, यहाँ देखो 10 बच्चे पैदा कर चुके हैं। 10 बच्चे तुमने? हाँ और क्या, अरे दूल्हा नहीं बने तो क्या हुआ, दूल्हों का हाथ पकड़ के ऐसे मौकों पर हम ही तो बैठे हैं। ए घबराने की कोई बात नहीं, बेटा होगा बेटा। हाँ सुनो, मुख्तार सिंह का नाम सुने? नहीं। लो फिर क्या सुने हो दुनिया में? अरे मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस तो क्या पब्लिक भी कांपती है, शहर से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि शहर बाप के यहाँ बेटा हुआ है क्या? नहीं नहीं, मेरे बाप के घर, वो बाप के घर में नहीं हुआ, रामदीन है ना, रामदीन के घर में बेटा हुआ है। साले चला जा यहाँ से, नहीं तो टुकड़े करके फेंक दूंगा। यार कल्लू ले आए आलू? कहाँ भाभी, गए थे आलू लेने, नारायण ने कचालू बनाकर भेज दिए, ये देखो। हाय भगवान, नारायण ने तुझे मारा? क्यों मारा ये भी तो सुनो, रामदीन के घर बेटा हुआ, उसकी खुशखबरी सुनाने लगा तो उसने लेकर के रापट मार दिया, बताओ ये भी कोई बात है? तू फिक्र मत कर, तेरे बड़े भैया आएंगे तो मैं उनसे नारायण की बात करूंगी। मैं नारायण की सारी बातें सुन चुका हूँ, सारा कसूर इसी का है, सर छत को छूने लगा, रकल घुटनों के ऊपर नहीं गई। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की, क्या जरूरत थी मोहल्ले का अखबार बनने की? अरे नारायण ने तो एक थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारा मुंह इधर से उधर कर देता, बदतमीज। तुम भी इसी को डांट रहे हो? डांटू नहीं तो और क्या करूं, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। काम धाम कुछ करते नहीं हजरत, बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गोलियां खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, और जब कुछ वक्त बच जाता है तो नमक के ढेले उठा लाते हैं लोगों के जख्मों पर रगड़ने के लिए। नारायण बेचारे के घर 15 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ है और ये वहां पहुंच गया ढोल बजाने के लिए। कल्लू आज तो मैंने शिकायत सुन ली है लेकिन दोबारा नहीं सुनूंगा, क्या कह रहा हूं मैं?
चाचू। तुमने वही किया ना जो दूसरे करते हैं। गुस्सा तुम्हें है अपने मालिकों पे, निकाला है अपने भाई पे। तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक है, वो भी इसी का कसूर है। घर में महीने भर के बजाय हफ्ते का भी राशन नहीं आया, वो भी इसी का कसूर है। तुम्हारे गुस्से और अपने दुख में वो कहीं चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अरे कहीं नहीं जाएगा वो अपने भाई को छोड़ के जा सकता है, मगर अपनी भाभी को छोड़ के नहीं जा सकता। आ जाएगा, आ जाएगा। मिल मजदूर, हमारी मांगे, हमारी मांगे। मिल मजदूर, मिल मजदूर, हमारी मांगे। औरत खराब नहीं, मजदूर धाक है। मिल मजदूर, मिल मजदूर, औरत खराब नहीं, मजदूर धाक है। बोनस खैरात नहीं, मजदूर का हक है। मैं खुद भी यही मानता हूं। मैं इस मिल का नया मालिक हूं और तुम्हारे सब हक मानने को तैयार हूं। तुम लोगों का लीडर कौन है जिससे मैं बात कर सकता हूं? शामू बढ़ो। आप लोग एक महीने का बोनस मांग रहे हैं, मैं दो महीने का देने के लिए तैयार हूं। शर्त सिर्फ इतनी है कि काम इसी वक्त शुरू होना चाहिए। लेकिन हमारी एक मांग ऐसी है जो शायद आपने नहीं पढ़ी। कौन सी मांग? आपने जो कारखाना खरीदा है उसकी तमाम मशीनें या तो पुरानी हो चुकी हैं या उनमें जंग लग चुका है। किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है, किसी मजदूर की जान जा सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि उन मशीनों की जगह नई मशीनें लगाई जाएं। नई मशीनें लगाने के लिए वक्त चाहिए और वक्त है नहीं मेरे पास। अगर अमीर के वक्त की कीमत होती है तो मजदूर की भी जान की कीमत होती है साहब। जब तक आपकी फैक्ट्री में नई मशीनें नहीं लगेंगी, आपकी फैक्ट्री में काम नहीं शुरू होगा। ठीक है, मैं मजदूरों से पूछता हूं, आप लोगों को क्या चाहिए? आपके लीडर को हड़ताल चाहिए? मैं मिल का मालिक हूं, मुझे काम चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या चाहिए? भूख या पैसा, हड़ताल या बोनस? तो फैसला हो गया। जिन लोगों को बोनस चाहिए वो अंदर जाए और जिन लोगों को हड़ताल चाहिए वो बाहर रुके। अब्दुल चाचा, ये मशीनें बदलने की मांग तो आपने की थी और आप ही। मैं भूला कुछ नहीं, सिर्फ अपने बच्चे याद आ गए। मैं अपनी जान पे खतरा लेना तो मंजूर कर सकता हूं, लेकिन बच्चों की भूख नहीं, बच्चों की भूख नहीं। जमाना सचमुच बदल गया। पहले नेता आगे चलता था और जनता पीछे, और अब जनता आगे चलती है, नेता पीछे। रेस के पुराने खिलाड़ी हैं आप, मगर आज चूक हो गई शानी सेठ। मैं अभी अभी मिल देख के आ रहा हूं। पूरे 15 लाख एक लंगड़े घोड़े पे लगा दिए हैं आपने। रावत, हमारी जिंदगी गुजर गई है रेस के मैदान में और तुम नए रंगरूट हो, इसलिए जानते नहीं जो लंगड़े घोड़ों पे जीतते हैं ना वो बहुत जीतते हैं। और तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि हम खेल कौन सा खेल रहे हैं। <laughs>
रावत, मैंने ये मिल सिर्फ कपड़ा बनाने के लिए नहीं खरीदी। इन लॉरियों में वो सोना लदा है जो हमारे डोंगरी के गोदामों में बंद था और किसी वक्त भी पुलिस के हाथ लग सकता था। अब वही सोना इस मिल में तैयार किए हुए कपड़ों की कोख में छुपाकर मुल्क के कोने कोने में पहुंचा दिया जाएगा। धीरे से काम लीजिए, हौसला बुलंद रखिए। मेरे हाथ कट गए डॉक्टर। भैया लेट जाओ, करो लेट जाओ। ये क्या कर रहे हो तुझे चाचा? अपने दिल के अंधेरों में अपने खुदा को ढूंढ रहा हूं और उससे पूछना चाहता हूं कि या अल्लाह, तेरे कर्म की बारिश होती है तो मुझ जैसे गुनाहगारों पर क्यों होती है, और तेरे कहर की बिजली टूटती है तो ऐसे फरिश्तों पर क्यों टूटती है? तुझे हाथ काटने ही थे तो मेरे हाथ काट डाले होते, उन हाथों को क्यों काट डाला जो उठते हैं तो तेरी बारगाह में दुआओं के लिए उठते हैं या दूसरों की जान बचाने के लिए उठते हैं? अरे मुन्नी बिटिया, दूध ले जाओ, दूध ले जाओ आके। लो भैया जी। नहीं भैया, अब हमें दूध नहीं चाहिए। अरे काहे नहीं चाहिए माँ जी? घर में जितने पैसे थे सब इनके इलाज में चले गए। अरे उधार ले लो माँ जी, अगले महीना दे देना तनख्वाह। माँ तनख्वाह कहाँ से आएगी? नहीं भैया नहीं, अब हमें दूध नहीं चाहिए। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं चुप हो जा मुन्नी, मुझे बहुत भूख लग रही है। दूध नहीं है ना? नहीं दूध नहीं है। चाहिए? नहीं ना, मुझे दूध चाहिए। शांति। हाँ कौन सा? ये वाली। चल हट जा हट जा हट। लगा लगा लगा
लगा, चल निकाल, ले निकाल, निकाल, तू निकाल, ले ले। भैया, 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 ये क्या भैया? आपको तो डॉक्टर ने उठने से मना किया था। ये इतना बड़ा बोझ आपने कंधे पर उठा लिया? एक चिल्लू दूध के लिए मुन्नी की आंख से जो आंसू गिरे, उन आंसुओं का बोझ इस बोझ से कहीं ज्यादा था। आप घर जाइए भैया, चलिए घर जाइए, ये बोझ मैं उठाऊंगा। आज के बाद मुन्नी को चुल्लू पर दूध क्या, जिंदगी में किसी चीज के लिए नहीं रोना पड़ेगा। ले मुन्नी दूध, जितना पीना है पी ले। डॉक्टर अंदर है। आपने ऐसी हालत में बोझ उठाकर अच्छा नहीं किया, आपके जख्मों के टांके उखड़ गए हैं। मेरी राय में आप दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और वो भी किसी बड़े डॉक्टर से। ये ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? कम से कम 500 रुपए। ये 500 रुपए हम कहां से लाएंगे? पैसे मैं लाऊंगा भाभी, पैसे मैं लाऊंगा। जान बचा लीजिए, उसके ऑपरेशन के लिए 500 रुपए चाहिए सेठ जी। 500 रुपए? हाँ सेठ जी। सेठ जी ऐसे ही 500 रुपए में मेरे भैया की जान बच सकती है। लेकिन तुम्हें देने के लिए 500 रुपए नहीं है मेरे पास। देखो, मैं एक सीधा साधा कारखानेदार आदमी हूं, सारी दुनिया की जिंदगी और मौत का ठेकेदार नहीं हूं मैं। और रही तुम्हारे भैया की बात, भूल उसकी थी, नुकसान मेरा हुआ। 1000 रुपए का कपड़ा उसके खून के धब्बों से बर्बाद हो गया, तो कोड़ी का नहीं रहा।
और मशीन उसकी मरम्मत के पैसे वो अलग। सेठ जी, मेरे लिए तो ऊपर भगवान है नीचे आप। बीच में यमराज तलवार लेकर मेरे भैया व्यवहार कर रहा है। मेरे भैया की जान बचा लीजिए सेठ जी, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ सेठ जी, मेरे भैया की जान बचा लीजिए। बनवारी जी हजूर, ले जाओ इसे और वो बोर्ड दिखा दो जो हमारे गेट पे लगा है। कुत्तों और भिखारियों का अंदर आना मना है। सेठ जी, सेठ जी मेरी बात सुनिए सेठ जी, मेरे भाई, मेरे भैया की जान बचा लीजिए सेठ जी। सेठ जी मैं आपसे भीख मांगता हूँ सेठ जी, सेठ जी मेरे भैया की जान बचा लीजिए सेठ जी, मैं आपसे भीख मांगता हूँ सेठ जी। भिखारी बन के आए थे पहले, अब चोर बन के आए हो, तरक्की कर रहे हो बरखुरदार। सवाल अब भी वही है सेठ जी, अपने भैया की जान बचाने के लिए 500 रुपए चाहिए। सवाल अब भी वही है तो जवाब भी वही है, तुम्हें रुपए देने के लिए नहीं है मेरे पास। सेठ जी आपके यहाँ तो दौलत की गंगा बह रही है, एक जलती हुई झुलसती हुई आग के लिए मैं पानी की सिर्फ 2 बूंदे मांग रहा हूँ सेठ जी। रुपए रख दो सीधी तरह से, वरना जो बात मैंने कही है वो इस रिवॉल्वर को दोहरानी पड़ेगी। सेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी, सिर्फ 5 रुपए में मेरे भाई की जान बच सकती है। मैं आपके पास जुटा हूँ सेठ जी, मैं आपके पास जुटा हूँ सेठ जी। भाभी देखो मैं 500 रुपए। भैया नहीं, भैया 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 भैया। साहब यही वो आदमी जिसने मेरे घर में चोरी की है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। तूने मेरे भैया को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शानी सेठ। मेरे भैया को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शानी सेठ। शानी सेठ, शानी सेठ, तूने मेरे भाई को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा शानी सेठ। बच्चा मुलजिम कल्लू, अदालत तुम्हें शाहानी सेठ के घर में चोरी और एक बावर्दी पुलिस ऑफिसर पे हमला करने के इल्जाम में 9 महीने कैद बामुशक्कत की सजा सुनाना चाहती है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? Yes, Your Honor. 9 महीने की सजा जो तजवीज की है मुझे बहुत मानीखेज मालूम होती है। 9 महीने गुजरते हैं तो बच्चे का जन्म होता है, 9 महीने के बाद कल्लू का भी दूसरा जन्म होगा। बच्चा गलती करता है, उसे सुधारने के 2 तरीके होते हैं, एक तो उसे प्यार से समझाना सिखाना, दूसरा उसे मारना पीटना सजा देना। कल्लू की यह पहली गलती है जिसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, मगर नहीं किया जा रहा। मेरी राय में अदालत इसे सजा देके इसका दाखला स्कूल में नहीं सीधा यूनिवर्सिटी में करा रही है। यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही इसकी मुलाकात होगी जुर्म के बड़े बड़े प्रोफेसरों से। सारे प्रोफेसर अपने अपने मजमून में माहिर होंगे और जब तक ये भी उन जैसा माहिर नहीं हो जाता, प्रोफेसर चैन से नहीं बैठेंगे। 9 महीने के बाद जब यह जेल के गर्भ से बाहर निकलेगा तो कल्लू का दूसरा जन्म हो चुका होगा।
महारानी जी। चल चोटी कहीं की। हट। क्या किया है इसने? इसने किया चोरी, और क्या करेगी, जो कुछ तुमने इसे सिखा रखा है। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, इनकी झूठी डाली से एक टुकड़ा रोटी का लिया। मैंने चोरी नहीं की माँ, मैंने चोरी नहीं की, ये झूठ कह रहे हैं। हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तेरी माँ सती सावित्री है और तेरा चाचा युधिष्ठिर की औलाद। मैं चाचा को कुछ नहीं कह रहा, मैं चाचा को कुछ नहीं कह रहा। हट यहाँ से। भाभी मुनि को ले जा। तूने इस फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाया नारायण। क्या चाल है, क्या ढाल है? परखुरदार जा कहां रहे हो? वहीं जा रहा है अपने पुराने दोस्त शाहनी सेठ के पास, उसका खून करने। ओ, तो खून करने के सारे सामान यहाँ मौजूद हैं। ये लो इंग्लिश पिस्तौल, और ये रहा रामपुरी चाकू, जो पसंद हो उठा लो। कल्लू एक बात बताते जाओ, जब शाहनी सेठ मर जाएगा और तुम फांसी के तख्ते से लटकते होगे, उस वक्त तुम्हारी भाभी और मुन्नी का क्या होगा? बेटे अपने दुश्मन को मारना है तो उसे उसी के हथियार से मारो, और शाहनी सेठ का हथियार है सोना। जल्दी कर अंदर बैठ। आप लोग चलिए, मैं बाद में आता हूं, इस मिल से मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। साहब
यही वो आदमी है जिसने मेरी मिल में आग लगाई। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये आग मेरी तरफ से तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान है शानी सेठ। आज के बाद तुम जो कदम उठाओगे तुम्हारी मौत की तरफ उठेगा। अगर हिम्मत है तो बता दो इन पुलिस वालों को कि आज तुमने क्या खोया है और मैंने क्या पाया है। मुल्ज़िम कल्लू, तुम्हें शाहानी सेठ की मिल में आग लगाने के जुर्म में अदालत 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। जालिम ने बड़ी सजा सुनाई, 2 साल। जिस रास्ते पर शानी सेठ ने मुझे ढकेला है उस रास्ते पर कई और अदालतें आएंगी, कई और जेलें आएंगी। मेरे पीछे गरीबी की काली अंधेरी रात के सिवा कुछ नहीं, लेकिन मेरे सामने दौलत का सुनहरा सूरज चमक रहा है जो मुझे बुला रहा है। यूं समझ लो कल्लू से कालिया का सफर शुरू हो गया। चलिए। आप हैं कल्लू की भाभी? जी हाँ। क्या कल्लू ने फिर कोई ऐसा वैसा काम कर दिया? ऐसा वैसा नहीं, ये पूछे कैसा काम किया है। क्या किया उसने? उसने हमारी कंपनी के लिए एक ही दिन में लाखों रुपए का फायदा किया है और उसे हमने अपना चौथा पार्टनर बना लिया है। एक ही दिन में लाखों का फायदा मेरे कल्लू ने? मैं समझी नहीं। आप सिर्फ इतना ही समझिए कि हम लोग जौहरी हैं, हीरे जवाहरात सोने का काम करते हैं। आपके देवर को हमने पहली नजर में पहचान लिया था कि ये सर से पांव तक सोने का बना हुआ है। वो तो है। ये देखिए। ये सब क्या है? ये रुपए कल्लू की कमाई के हैं और ये 2 चाबियां, एक आपके नए घर की और एक नई गाड़ी की। पार्टनर बनने से पहले कल्लू की 2 शर्तें थी कि उसकी भाभी इस झोपड़े में नहीं रहेगी और चलने फिरने के लिए अपनी टांगे नहीं तोड़ेगी। तो आप एक काम करिए, अपनी नई गाड़ी में बैठकर अपना नया घर देख लीजिए। तूने कल्लू को क्या से क्या बना दिया एक ही दिन में? भगवान उसे काम में तरक्की और कमाई में बरकत देना। जिस ताली पे तुमने हाथ रखा है वो ताली मेरी है। तुम्हारी कैसे हो गई? तुम तो लाइन में भी नहीं हो। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस थाली पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार, भर दे थाली। We'll be right back.
किस्मत अच्छी तो आज बच गया माइकल, वरना तेरी मौत तुझसे उतनी ही दूर थी जितनी ये सलाख तुझसे दूर है। कालिया सब कुछ कर सकता है, एक निहत्ते पे वार नहीं कर सकता। सर, आपके हुक्म के मुताबिक सब कैदियों को बाहर खड़ा कर दिया गया है। आ रहा है साला जेलर। तुम्हें कैसे मालूम? अबे जेलर और कैदी का रिश्ता मियां बीवी की तरह होता है। शादी की कामयाबी के लिए एक दूसरे को जानना और पहचानना बहुत जरूरी होता है बेटे। वो चार सीढ़ियां उतरेगा और रुक जाएगा। फिर वो अपनी पतलून की जेब में हाथ डालेगा, लेकिन जो सिगार वो ढूंढ रहा है वो उसे अपनी शर्ट की बाईं जेब में मिलेगा। वो सिगार को अपने दांतों से चबाएगा और थूक देगा। अब माचिस से सिगार को जलाएगा और दिया सलाई आके गिरेगी मेरी पीठ पर। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं। तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है। लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस।
आपने खाना नहीं खाया? आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है कैदी, बहुत बद दिमाग, बहुत बदतमीज, बहुत बेलगाम, जैसे कोई आवारा आंधी होती है। बस समझ लो काका, मुझे इस आंधी के मुंह में लगाम डालनी है। एक बार पहले भी तो ऐसा ही कैदी आया था, आपने उसके मुंह में लगाम तो डाल दी, लेकिन जाते हुए वो अपने सुमों के निशान जो आपके दिल पर छोड़ गया, उन्हें भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकता काका, कभी नहीं भूल सकता। मेरी एक ही तो बिटिया थी, 3 साल की नन्ही सी गुड़िया, जिसे वो जालिम उठाकर ले गया। लेकिन मैं ये भी तो नहीं भूल सकता कि मैं जेलर हूं, और मेरा फर्ज है, अदालत ने उन्हें संगीन सजा दी है तो उन्हें यह बता दूं कि संगीन सजा क्या होती है, ताकि एक बार वो जेल से बाहर जाएं तो दोबारा जेल में आने का नाम न लें। सेशन कोर्ट में तुम्हारी अपील मंजूर हो गई है और मैंने तुम्हारी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है, तुम जा सकते हो। बड़ा अफसोस हो रहा होगा आपको जेलर साहब, मुझे सुधारने का वक्त नहीं मिला आपको। अब नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो कालिया, वो यहीं खत्म होता है। तुम अगली बार आओगे, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, तब जो तालीम इस वक्त अधूरी रह गई है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है जेलर साहब, यूं समझ लीजिए कि हमारे और आपके दरमियान जो बाजी शुरू हुई थी वो थोड़ी देर के लिए रुक गई है। खेल जब फिर शुरू होगा तो मोहरे हम उसी जगह से उठाएंगे जहां इस वक्त धरे हैं। गोपाल कैसा रहा सफर? अच्छा रहा यार, लेकिन भाभी को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं यार, भाभी तो बेचारी ये जानती है कि तुम अमेरिका गए हुए हो और अमेरिका से लौट रहे हो। ये देखो तुम्हारा सामान, इसमें भाभी के लिए साड़ियां और इसमें मुन्नी के लिए फ्रॉक और खिलौने भरे हुए। चल, न्यूयॉर्क से प्लेन आ गया माजी, सब आते ही होंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी तैयार नहीं है, खाने की मेज तो बिल्कुल नंगी पड़ी है। वो तो आते ही कहेगा भाभी बहुत भूख लगी है, जेब में पैसा हो तो बुलाकर सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता तो तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना नहीं मिलता। लो, वो तो आ भी गया। रामू जी, जल्दी से मेज तैयार करो और राती का सामान ले आओ। अच्छा जी। भाभी ठहरो भैया, पहले आरती उतारने दो। ओफो भाभी, मैं तो रोज विलायत जाता हूँ, रोज विलायत से आता हूँ, और अब की बार तो कितनी देर के लिए गया था बाहर? तुम्हें क्या मालूम कल्लू, तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारे बिना घर में दिन कितने लंबे हो जाते हैं। लो, लो। ये लो, खत्म हुई तुम्हारी आरती। ये बताओ खाने का क्या इंतजाम किया तुमने? भूखा चला आ रहा हूँ अमरीका से, भाभी वहां सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता तो भाभी के हाथ का पका हुआ खाना। तुम्हें कितनी बार मना किया है भैया, हमारे लिए इतनी कीमती चीजें मत लाया करो, इनसे पहले ही अलमारियां भरी पड़ी है, तुम और ले आए हो। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना लाता हूँ भाभी, अपने शौक के लिए लाता हूँ, जो तुम्हें पसंद हो पहन लेना, बाकी मुन्नी के दहेज के लिए रख देना। और तुम्हारी दुल्हन के लिए कुछ ना रखूं? मुन्नी तो बाद में डोली में बैठेगी, उससे पहले तो मैं तुम्हारी शादी करूंगी। उन्हें कितना चाव था तुम्हारी शादी का। खबरदार भाभी, आंख से एक भी आंसू गिरा था, पानी की से एक बूंद के लिए मैं अपना सारा खून बहा सकता। ये दुख के नहीं, शुक्र के आंसू है। पर एक बात बताओ, ऐसा कौन सा पेड़ है जहां से तुम इतनी दौलत तोड़ कर लाते हो? सच बताओ भाभी, मेरे पैसे किसी पेड़ से नहीं आते, एक खान से आते हैं, सोने की खान से। जानती वो खान कहाँ है? कहाँ? मेरी भाभी के पांव के नीचे। तू कभी नहीं बदलेगा।
ये कुछ नहीं भाभी, ये तो सीधा साधा पिस्तौल है, इसका तो लाइसेंस भी है मेरे पास। ये देखो, यकीन नहीं आता था, ये रहा, बाकायदा मोहर भी लगी हुई है। अब तो विश्वास हो गया। जितना विश्वास मुझे अपने भगवान पे है, उतना ही तुझ पे। मेरी सारी दुनिया, सारी जिंदगी विश्वास के इन्हीं दो खंभों पे खड़ी है। कमाल है यार, बाहर पूर्णमासी की रात के लिए है और तुमने अंदर ऐसे अंधेरे कर रखे हैं। तुम्हें नहीं मालूम आज क्या अंधेर हो गया? क्या हुआ? एक बार तो रिवॉल्वर देखकर भाभी कांप गई और मेरे पसीने पसीने हो गए। आज तो मैंने किसी भी तरह छोटी मोटी कहानी सुनाकर भाभी को छलावा दे दिया, लेकिन सच्चाई के बाजार में झूठे सिक्के कब तक चलते रहे? समझ गया, आपको धर्म और कर्म की बीमारी हो गई है। अंतरात्मा में वैराग और त्याग की तरंगे उठ रही है। एक काम कीजिए, राज छोड़िए, राजमहल छोड़िए और हाथ में उठा लीजिए रिवाल्वर की जगह भीख का ठीकरा। भूल जाओ तुम्हारा कोई भाई था जिसके पहले हाथ कटे फिर जान गई सिर्फ 500 रुपयों के लिए। भेज दो भाभी को किसी विधवाश्रम में, निकाल लो मुन्नी को कश्मीर के फैंसी स्कूल से, डाल दो किसी यतीम खाने में। हिंदुस्तान में यतीम खानों की कोई कमी नहीं। खबरदार जो मुन्नी को यतीम खाता, जब तक मैं जिंदा हूं मुन्नी को कोई यतीम नहीं कह सकता, समझे? मेरा गला। सॉरी यार, की बात नहीं यार। ये कार्ड देखो, ताजमहल में पार्टी है, जीतनगर की राजकुमारी आ रही है, उसके गले में एक खास हीरा है। अगर वो हीरा तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम्हारी जिंदगी की हर रात पूर्णमासी की रात बन जाएगी। मैं तैयार हूं शानी सेठ। जो लोग लाखों रुपए के हीरे ले जाते हैं रावत, उन पेशे का धोबी नहीं लगना चाहिए लिबास से। वो ऐसी लगा रखी है जैसे मांगी हुई हो। हम जहां जा रहे हैं रावत, वहां शहर के बड़े बड़े रईस आएंगे, पुराने राजा आएंगे, नए अमीर आएंगे। दौलत के उस मीना बाजार में तुम्हारे जैसे ठग भी आएंगे और सबकी नजर उस हीरे पे होगी। मगर आज हमेशा के लिए वो हीरा मेरा, सिर्फ मेरा बन जाएगा। Thank you.
समझ का काम नहीं ये है तेरे बस का कुकड़ कुकू क्यों नहीं जानी तू ये समझ का काम नहीं ये है तेरे बस का होश में आ जा ध्यान किधर है अरे होश में आ जा ध्यान किधर है ना तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है से अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से सामने आए किसका जिगर है हाँ सामने आए किसका जिगर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है निकल जाए ये भी करिश्मा देख इधर है हाँ ये भी करिश्मा देख इधर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ कितने देख इधर यार ध्यान किधर है अरे देख इधर यार ध्यान किधर है मेरे हाथ में आया हुआ हीरा मेरे हाथ से निकाल के कौन ले गया कौन शानी सेठ यस जिस हीरे पे तुम्हारी नजर थी वो अब मेरे हाथों में है कौन हो तुम तुम्हारा बाप जिसे तुमने खुद पैदा किया कालिया कालिया ये कालिया कौन है आप घबराई नहीं कालिया जो भी हो शाहनी सेठ हीरा 24 घंटे के अंदर मैं आपके सामने पेश कर दूंगा 24 घंटे के अंदर रावत तुम वो हीरा मुझे लाके दो मैं ये वादा करता हूं ये कुर्सी मैं तुम्हें दे दूंगा इसे हासिल करने के लिए तुम्हारे कई साथी जान दे भी सकते हैं जान ले भी सकते हैं इस फ्लैट का कोना कोना छान मारो हीरा तुम्हें यही मिलेगा We'll be right back.
अरे सलाम साहब, सलाम सलाम सलाम। तुमने कुछ देखा? अरे हम तो बहुत कुछ देखता है साहब, बहुत कुछ। ये हाथ, हाथ तो जूतों पर चलते हैं, लेकिन नजर ऊपर नीचे इधर उधर आठों तरफ भटकती है। कल रात तुमने कोई खास चीज देखी? अरे देखा तो है साहब, लेकिन ये जबान हिलने से जरा डरती है। क्या अब तो हिलेगा? अरे ये तो हाथ हिलाने का फीस है साहब, जबान हिलाने का फीस तो जरा और होनी चाहिए ना। अब कल रात एक गाड़ी आकर वहां रुका, उसमें जो आदमी थे उनकी नजर आपके फ्लैट पे था। बस इतने में आपकी लाइट बंद हो गया, आप नीचे आया, गाड़ी में बैठा, चला गया। फिर उन लोग भी उतरा और आपके फ्लैट में जबरदस्ती घुस गया। बस थोड़ी देर बाद उन लोग भी नीचे आए, अपनी गाड़ी में बैठा और आपके जैसा चला गया। तुम्हारी इस बात के लिए ये लो 50 का पत्ता। अब जल्दी से बेटे नंबर भी बता दे। ए, ये क्या कर रहे हो? नंबर ढूंढ रहा है साहब, नंबर। सुना है खोपड़ी में दिमाग होता है, दिमाग में लाखों छेद, सुसरा नंबर पता नहीं किस छेद में जाके छिप गया। नंबर। अबे 100 का नोट देख के तो बाहर निकल। निकल गया साहब, निकल गया। MRH 9067। हमें तुम्हारी ये गुड़िया बहुत पसंद आई दोस्त। सर ये गुड़िया नहीं है, जादू की चिड़िया है, हवा में उड़ती है सर। ऐसा माल मार्केट में रोज रोज नहीं आता है, फौरन खरीद लीजिए। पहले हम इस गुड़िया की गोद में बैठेंगे, राइट? फिर देखेंगे इसकी चाल कैसी। एब्सोल्युटली राइट। ये लीजिए चाबी, घुमाइए और इसकी चाल देखिए कैसे चलती है। जपाक जपाक जपाक, जब जब जपाक। What a beautiful smooth start. अब इसी स्मूथनेस से एक छोटी सी बात और बता दीजिए। फरमाइए। तुम्हारा कौन सा बाप कल रात ये गाड़ी शोरूम से ले गया था? That's top secret. वो हम आपको नहीं बता सकता है। नहीं बता सकता। अरे मेरा शोरूम। गाड़ी रखो। तू पागल है, पागल है, क्या करते हैं? गाड़ी रखो। अरे पागल खाने से आए हो क्या? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब मुझे छोड़ दे। अरे गॉड ब्लेस मी प्लीज। हेलो 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 प्लीज। अरे पुलिस। अरे भाई साहब इलाहाबाद के हो क्या? अरे डॉ, अरे भाई मुझे कहाँ फंसा लिया? अरे छोड़ दे मुझे भाई। कहाँ से आया तू? ए भाई साहब आगरे से आए हो क्या? अरे अरे लोहे का सलिया है, वाटर प्रूफ गाड़ी है, लोखंड गाड़ी है। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। अबे ब्रेक लगा, क्या कर रहा है क्या? मुझी, 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 मुझी। अरे अरे सर बचा। अरे छत गई, छत गई, छत गई। दरवाजा क्या भैया? अरे चला
दे मत को लाने दे काट को ले काट अरे काट ले अरे काट गया काट गया काट जान दे जान दे जान दे रुक 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 अरे पिछली गई अगली देख जान दे पिछली गई जान दे अरे 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 बिल्डिंग में गाड़ी में बिल्डिंग अरे बाप रे ब्रेक में सर में आया ब्रेक अरे कहाँ जाता है जान दे ठीक है ब्यूटीफुल फिर गया चंपेजी मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ अपनी मैडम का ओनली एडम हूँ ओनली वन खंबा ओनली वन ढक्कन हाँ तो अपने मैडम के ओनली एडम बताओ कौन था वो नहीं तो नंगा कर दूंगा इस गाड़ी की बताता हूँ साधु सानी सेठ का आदमी रावत कल रात तुम मेरे घर के अंदर गए थे आज के बाद अगर तुमने उसे बाहर से भी देखा तो तुम्हारी हालत बिल्कुल ऐसी कर दूंगा ऊपर छत नहीं होगी नीचे जमीन नहीं होगी और बीच में जो तुम्हारे जिस्म के पुर्जे हैं ना कागज के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ते नजर आएंगे समझे और हाँ एक बात और जो हीरों की कीमत जानते हैं वो उन्हें सोफों के गद्दों या बिस्तर के तकियों में छिपा के नहीं रखते अपनी जान से लगा के रखते हैं ऐसे मुझे वो हीरा चाहिए और तुम ला सकती हो वो हीरा कौन सा हीरा जिसके लिए मेरी जान आज शाहानी सेठ के पास गिरवी पड़ी हुई है वो हीरा कारिया की कलाई पे बंधा हुआ है सोने की जंजीर में कैद Yeah.
मिल गया। हाँ। कहाँ है? मेरे पास। तुम कहाँ? मैं? हीरे के पास। क्या बक रही हो? आज से मेरी नौकरी खत्म। मुझे हिस्सा चाहिए। 50-50। जरा पीछे मुड़ के तो देखो, तुम्हारे जो दो बाप खड़े हैं, तुम्हें 50-50 करने के लिए। देखो माँ, मैं क्या लाई हूँ। हमारी गरीबी की रातें अब खत्म हो गई माँ। जरा उठ कर देखो तो सही, दौलत का सूरज कैसा होता है माँ। मेरी तो रातें भी खत्म हो गए, दिन भी खत्म हो गए।
जिसे तुम अपनी छोटी बहन समझते हो वो मेरी बेटी जरूर है, तुम्हारी बहन नहीं है। क्या कह रही हो माँ? बहुत साल पहले तुझे कहीं से कोई उठाकर लाया था और मेरे पास छोड़ गया था। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? कैसे बताती बेटी, वो कसाई मुझे जान की धमकी दे गया था, लेकिन लेकिन अब मुझे डर कैसा? वो बोलो माँ, रावत ये जाम मैं तुम्हारी कामयाबी और अपनी खुशी के लिए पी रहा हूं। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं रावत। कालिया के पास से वो हीरा निकाल लाना उतना ही मुश्किल था जितना किसी शेर के जबड़ों में हाथ डालकर गोश्त का टुकड़ा निकाल लेना। अब तो मैं इस कुर्सी के काबिल हो गया हूं शाहनी सेठ। नहीं अभी नहीं। शानी सेठ के गिलास में जो हीरा चमक रहा है वो उतना ही नकली है जितनी कि तुम्हारी कामयाबी नकली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं शानी सेठ, शराब में नहलाने से नकली हीरे असली नहीं हो जाते, जिस तरह गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं हो जाते। असली हीरा हीरा। इस हीरे को तो तुमने पहचान लिया सेठ, अब मेरी तरफ भी जरा गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। मैं वही कल्लू हूं जिसे तुमने कालिया बनाया। मैंने सुना था कि इंसानों की तकदीरें आसमानों पर बैठा भगवान लिखा करता है, लेकिन मेरी तकदीर तुमने लिखी है सेठ, मेरे भाई के हाथ कलम करके। अब इसके बाद न तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोशिश करोगे और ना ही उन्हें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे।
रहोगे तो हर वक्त हर जगह मैं उन्हें काट के रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा। कुछ देर के बाद ये होश में आ जाएंगे, मैं फिर देखने आऊंगा। तब तक इन्हें आप हर 2 घंटे के बाद यह दवाइयां देते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या देख रहे हो काका? आज वो देख रहा हूं जो बरसों से आपकी आंखों में कभी नहीं देखा। खौफ भी है, उम्मीद भी है और प्यार भी है। जब बिटिया बीमार पड़ी थी तो आपने 3 दिन और 3 रातें इसी तरह कुर्सी पर बैठे बैठे गुजार दी। हाँ काका, रानी आज होती तो शायद इतनी बड़ी होती। न जाने अब्बू कहाँ है, किस हाल में है। काका जी, इसका ख्याल रखना और 2-2 घंटे बाद दवाई पिलाते जी। अच्छा, तुम्हारी बीवी का क्या हाल है बिकू? अच्छी सर, अस्पताल से लौट आई है। गुड। सतनाम। यस सर। तुम्हारी बेटी इम्तिहान में पास हो गई? वो तो पिछले साल ही पास हो गई थी, अब तो कॉलेज जाने लगी है। गुड। आज अपनी जेलर साहब को क्या हो गया सतनाम? आज पहली बार मैंने देखा उनकी आंखों में अंगारे नहीं है, आवाज में वो लोहा नहीं है। आज पहली बार उन्होंने हमें इंसान समझा है और खुद इंसानों की तरह बातें की। काका, काका जी साहब, वो लड़की कहाँ है? जी वो तो चली गई। कहाँ? मालूम नहीं साहब। तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कहाँ जाने दिया साहब, मैं तो सिर्फ चाय बनाने के लिए ही गया था। वापस आया तो वो जा चुकी थी। मैं तो अपने आप को कोस रहा हूं कि मैं यहां से गया ही क्यों। सॉरी काका, तुम्हारा कोई दोष नहीं। वो अगर रहती भी तो कितने दिन रहती? अपनी बेटियां उम्र भर घर में नहीं रहती, एक न एक दिन चली जाती। और फिर उसका तो कोई रिश्ता भी नहीं था, न मुझसे न इस घर से। माँ जी, सामान तैयार है। यही रख दो। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। बड़ी तैयारियां हो रही भाभी, कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो। कहाँ? मुन्नी के पास। ये देखो उसकी चिट्ठियां, हर चिट्ठी में एक ही सवाल होता है, मेरे चाचू मुझसे मिलने कब आ रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं हर हफ्ते चला जाऊं उससे मिलने भाभी, लेकिन क्या करूं, मेरे पांव में एक चक्कर है। भैया जाने कब ये तुम्हारे चक्कर खत्म होंगे, जाने कब तुम आराम से मेरे पास रह सकोगे। बहुत जल्दी भाभी, बहुत जल्दी। दुनिया से मुझे कुछ हिसाब चुकाने, एक बार चुक गए उसके बाद आराम ही आराम। स्कूल छोड़ के तब मैं जा रही हूँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम जा रही हो ना, इसलिए रो रही हूँ। मत रो। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान के सामने 2 रास्ते आते हैं, एक अच्छाई का
एक बुराई का। मैं बुराई के रास्ते पर चल रही थी, मगर मरती हुई माँ को वचन दिया कि मैं वो रास्ता छोड़ दूंगी। इसलिए मदर, मैं अपनी बहन रीना की फीस तब दे सकती थी, अब नहीं दे सकती। अपना दिल छोटा ना करो बेटी, तुम उसके सामने बैठी हो जो गॉड का बेटा है, और गॉड उसकी मदद जरूर करता है जो अपनी मदद खुद करने का फैसला करते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जाने से पहले वो तुम्हारी मदद के लिए कोई रहमत का फरिश्ता जरूर भेज देगा। गुड मॉर्निंग मदर। गुड मॉर्निंग। मुझे अपने गॉड पर पूरा यकीन है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो अपने ऊंचे आसमानी महल में बैठा हुआ अपने बंदों की दुआ इतनी जल्दी सुन लेगा। मैं समझा नहीं मदर। मैंने अभी अभी उसे आवाज दी, कहा फौरन एक रहमत का फरिश्ता भेज दो, और उसे भेज दिया। फरिश्ता? कहाँ है फरिश्ता? मेरे सामने खड़ा है। Hey, जिसकी एक मुस्कान पे हम जान लुटा सकते हैं उसकी आंखों में आंसू। वहां देखिए, वो भी रो रही है। उसने अपनी स्कूल की फीस नहीं दी ना, इसलिए वो स्कूल छोड़कर जा रही है। अगर वो स्कूल छोड़कर चले गई तो हम बहुत रोएंगे चाचू। बस 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 बस, हम आपको रोने नहीं देंगे और हम आपको भी रोने नहीं देंगे। आपकी स्कूल की फीस दे दी गई है, अब आप मुन्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ए, आप भी इधर किसी दो। बस चलो 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 चलो। दीदी, आपने मेरी फीस दे दी? मैंने नहीं दी, इन्होंने दी है। आओ रीना। आप और हम फिर मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप मेरे साथ वो करेंगे जो आपने किया है, वो मुझे भी मालूम नहीं था। मैंने क्या किया है? आपने एक दान दिया है, आपको मालूम हो कि वो दान आकर मेरी झोली में गिरा है, उसे आप वापस लेना नहीं चाहेंगे? जी नहीं। मदर सुपीरियर ने आपकी सारी कहानी मुझे सुना दी है। आपकी कहानी और मेरी कहानी मिलती भी है और नहीं भी मिलती। हम दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे थे और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां से आप वापस मुड़ सकती थी। मैं तो एक ऐसे मकाम पे पहुंच गया हूं जहां मेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं। रास्ता तो मेरे लिए भी कोई नहीं था, लेकिन न जाने कहां से आप आ गए मेरी भटकी हुई खोई हुई जिंदगी को बचाने के लिए। आप गौर से देखेंगी तो आपको इसमें भी मेरी खुदगर्जी नजर आएगी। मैंने आपको नहीं, अपने आप को बचाया। मैं तो समझता था कि मेरा सब कुछ लुट गया है, लेकिन यहां आने के बाद मालूम हुआ कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी कुछ बाकी बचा है। थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी अच्छाई। अच्छा वो किसी के काम आ गई। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूं, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे आदमी से मिल रही हूं। आज मेरी भी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई है जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान, बिल्कुल बेगाना हो गया था। आज बहुत मुद्दत, बहुत अरसे के बाद मैं अपने आप से मिल रहा हूं। Thank you.
जीते हैं मरते हैं जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं तुम ही कुछ बताओ इसको क्या कहते हैं जागीर सिंह जी यस आपका माल पहुंच गया है गुड वेरी वेरी गुड
भाई वाह, किस अदा से आपने ग्लास दांतों में उठाया। अब एक काम मेरा भी कर दीजिए, उस कैबिन में मेरा ब्रीफकेस रखा है, इसमें मैंने आपके लिए एक तोहफा रखा है, जाइए उठा लीजिए। ये थे जागीर सिंह, हमारे डॉक्स के बेताज बादशाह। डॉक्स पर माल उतरता था हमारा और ले जाता था इनका बाप कालिया। और जो हाल डॉक्स का है वही हाल मड आइलैंड्स का भी है। बाहर के मुल्कों से सोना चलता हमारे लिए और पहुंच जाता है सीधा कालिया के पास, और ये मड आइलैंड वाले ये किनारे पर बैठ के मच्छियां पकड़ते हैं। ये लोग आज तक ये सब हुआ ठीक है, अगर फिर कभी हुआ तो तुम लोगों का भी वही हाल होगा जो इस वक्त जागीर सिंह का हुआ। हराम खोरों में इस तरफ आके फाड़ फाड़ के मत देखो, सोचो सोचो कि कालिया को किस तरह जेर किया जाए। वह आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता नहीं है, मिट्टी का बना हुआ एक पुतला है, तुम्हारी तरह मेरी तरह। और हर मिट्टी का बना हुआ पुतला तोड़ा जा सकता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी होती है। कालिया की कमजोरी तलाश करो, उसकी कमजोरी हमारी ताकत है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी भाभी है, और तुम इस तरह जाओगी भाभी के पास? तो किस तरह जाऊंगी? ये लिबास बिल्कुल नहीं चलेगा, जो छिपाता कम है दिखाता ज्यादा। लो ये साड़ी पहनो। तैयार हूं। लुट गए, बर्बाद हो गए, बेड़ा गर्क हो गया। क्यों, क्या हुआ? ये साड़ी पहनी आपने, मालूम होता कोई पगड़ी लपेट ली चारों तरफ। लाइए मैं बताता हूं साड़ी कैसे बांधी जाती है। नुमाइश पश्चिम की अदा है, शर्म हिंदुस्तान का गहना, और मेरी भाभी को इसे बहुत पसंद है।
भाभी, भाभी वो आ गई। कौन आ गई? वही जिसके बारे में मैंने तुमसे कल। बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर ले आओ उसे। हाँ, आ गई। अच्छा, तो यही है वो जिसकी तारीफ सुनते सुनते हमारे कान पक गए। क्यों, पसंद नहीं आई क्या? पसंद तो बाद में आएगी, पहले हम देख तो लें। इसने मुंह क्यों ढक रखा है? चेहरे पे कोई दाग वाग है क्या? जी नहीं तो। है ना चांद का टुकड़ा। तुझे सूरज की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता, चांद को क्या देखेगा जो रात में निकलता है। सूरत तो ठीक है, मगर सीरत का पता बाद में चलता है। अरे बहुत पढ़ी लिखी है ये भाभी, लोग तो BA MA पास होते ना, इसने तो MATRIC सब कुछ किया हुआ है, मैट्रिक पास है ये। मैं इसकी डिग्री नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो जानना चाहती हूँ घर के काम में इसके हाथ चलते हैं या नहीं। हाथ? हाथ तो इसके खूब चलते हैं भाभी, और ऐसी सफाई से कि कुछ पूछो मत तुम। हाँ, तुम चुप रहो, जो कुछ पूछना है मैं खुद पूछ लूंगी। बुरा मत माना बहना, आदमी जब सोना खरीदने निकलता है तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह परखता है। अब ये बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है? खाना? अरे दुनिया का ऐसा कौन सा खाना है जो ये बनाना नहीं जानती। देसी खाना, अंग्रेजी खाना, चीनी खाना, रूसी खाना, 10 किस्म के तो ये पुलाव बनाती है, 20 किस्म की बिरयानी, और जो हमें पसंद है वो तो ये कमाल का बनाती है, ऑमलेट। तो चलो रसोई में, आज तुमसे पहले ऑमलेट बनवाते हैं, आओ। मुड़ गए। ये रहे अंडे, फ्राइंग पैन, घी। अब बताओ ऑमलेट कितनी देर में बनाओगी? दो मिनट में। अच्छा, अरे ये क्या किया तुमने? भाभी ये आज बेचारी बहुत घबराई हुई, इसलिए भूल हो गई होगी, आज ऐसे सीख जाएगी। बस इतना बता दो कि ये पास हो गई या फेल। पास। पास हो गई भाभी। अरे पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। अरे भाई क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं? हम तो फूल लेने के लिए आए थे। साहब फूल तो नाम का भी नहीं बचा, एक ग्राहक आया था सारी दुकान खरीद के ले गया। ऐसा कौन सा शौकीन पैदा हो गया है बंबई शहर में? एक ही तो शौकीन है साहब, कालिया। एक गुलदस्ता बना दीजिए बढ़िया सा। गुलदस्ता फूलों का बनता है साहब, और फूल अपने पास है नहीं। लेकिन ये सब फूल और वो बाहर ट्रक भरा पड़ा है फूलों से। ये सब फूल है तो साहब, लेकिन जा रहे हैं कालिया साहब के यहाँ। ये साहब कोई नया नया आया है बंबई में? नए तो आप मालूम हो रहे हैं साहब, जो कालिया साहब को नहीं जानते। कालिया साहब का नाम आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ठीक है, जरूर पहुंच जाएंगे। Could you give me your address, please? Yes, B10, Ben Nevis, Gordon Road. Okay, जरूर पहुंच जाएंगे। Can I help you, sir? आप चाहें भी तो मेरी मदद नहीं कर सकती। घर से निकला था एक छोटा सा गुलदस्ता खरीदने, लेकिन लगता है शहर के सारे फूल बिक चुके हैं और उन सबका खरीदार एक ही है, कालिया। जी हाँ, आप जानते हैं उन्हें? नहीं, जानता तो नहीं, लेकिन जानना जरूर चाहूंगा। ये
कालिया कौन है? कालिया जुर्म का बादशाह है, जिस तरह ये शतरंज का बादशाह है। शतरंज में प्यादे मारे जाते हैं, घोड़े मारे जाते हैं, हाथी मारे जाते हैं, मगर बादशाह आखिर तक सलामत रहता है। सर, एक कालिया मेरी जेल में आया था, सोचता हूं कहीं ये कालिया वही तो नहीं। फिर ख्याल आता है कि वो प्यादा इतनी देर में बादशाह कैसे बन गया। तो खुद ही चलकर देख लीजिए ना, कालिया आज पार्टी दे रहा है और उसकी जरूरत देखिए कि उसने मुझे भी कार्ड भेजा है और लिखा है कि अकेले मत आइएगा, अपने साथ पूरी पलटन लेकर आइएगा। आप मिलना चाहते थे। मुबारक हो बेटे। देख भी लिया और पहचान भी लिया। उसने जेल की कोठरी से इस महल तक का फासला बहुत जल्दी तय कर लिया है। मैंने कुछ और भी देखा है एसपी साहब, जो शायद आपने नहीं देखा। आज की दुनिया में जुर्म कितना कामयाब है और कानून कितना बेबस। आपको बुलाना भूल गया, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। कभी मैं आपका मेहमान था, आज आप मेरे मेहमान। विस्की। थैंक यू। जेलर साहब, आपको अफसोस तो जरूर होगा मैं आपके यहां ज्यादा दिन न रह सका, और आप मेरी वो खातिर न कर सके जो आप करना चाहते थे। इसके मौके और भी मिलेंगे, लेकिन इस वक्त तो हम उससे मिलना चाहते हैं जिसके लिए आप सारे शहर के फूल खरीद लाए हैं, और हम एक फूल ना खरीद सके किसी के लिए। Thank you very much. शालिनी, जेलर साहब ये शालिनी है जिससे मेरी शादी होने वाली है। मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूं, अब ये होश में नहीं थी, उसके बाद आज मुलाकात हुई है, लेकिन मालूम होता है कि ये होश में अब भी नहीं है। होश में तो आप नहीं है जेलर साहब, वरना ऐसे मौके पर ऐसी बात ना करते। काश मैं कह सकता बेटी कि जब तक दुनिया में चांद और सूरज हैं, तुम्हारी मांग में सुहाग के सितारे जगमगाते रहें, लेकिन क्या करूं, मैं वो देख सकता हूं जो ये नहीं देख सकती, जो तुम भी नहीं देख सकते। लोग जब कामयाबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई सड़क पर दौड़ते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये सड़क जेल की काल कोठरी में खत्म होती है या फांसी के तख्ते पर। तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए जेलर साहब, क्या नजा की तकलीफों में मजा जब मौत न आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का हर गाम पे जब मातम न हुआ।
कालिया से मिलने, मैं लगता है वो घर पे नहीं। जी हाँ, वो बाहर गए हैं काम से। चलिए, कालिया ना मिला ना सही, आपसे तो मुलाकात हो गई। पहले जब मैं आपसे मिला था तो क्या हालत थी आपकी, और आज क्या ठाठ है आपके। आप लोग भी कहां से कहां पहुंच गए। हम जहां भी पहुंचे हैं आपकी मेहरबानी से नहीं, कल्लू की मेहनत से पहुंचे। गलत, मेहनत से इंसान सिर्फ झोपड़ियां बना सकता है, ऐसे आलिशान महल नहीं खड़े कर सकता। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खुद एक ऐसे महल में रहता हूं। दौलत का पेड़ जब भी उगता है, पाप की जमीन में ही उगता है। नहीं, मेरा देवर मेरे घर में पाप की कमाई नहीं ला सकता। लगता है देवर भाभी को झूठी कहानियां सुनाता रहता है और भाभी मानती रहती। जाता तो था जेल में सजा भुगतने के लिए, और आपसे कहता था यूरोप जा रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं। अगर मेरी बातों पे आपको भरोसा नहीं तो किसी भी जेल या किसी भी थाने में जाके पूछ लीजिए, वहां के रजिस्टरों में उसकी जिंदगी की पूरी धर्म कथा लिखी हुई। कहां जा रही भाभी? भाभी जा कहां रही है? कहीं भी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या किया क्या मैंने?
तुमने तो वो किया है भैया जो बेगानों ने भी नहीं किया। उन्हें तो सिर्फ हाथ काटे थे मेरे पति के, तुमने तो दिल पे ही छुरी चलाई। तुम कहना क्या चाहती भाभी? तुमने कहने के लिए छोड़ा ही क्या है? मेरी जिंदगी का उजाला तो चला ही गया उनके साथ, लेकिन तुम्हारे विश्वास का दिया फिर भी जलता रहा। आज वो भी बुझ गया। मैं तुम्हारे भैया को राम समझती थी और तुम्हें लक्ष्मण। मुझे क्या मालूम था कि मेरा लक्ष्मण कब का रावण बन चुका है। भाभी मुझे जाने दो, तुम्हें तुम्हारे सोने की लंका मुबारक हो। भाभी कौन आया था? भाभी भाभी कौन आया था यहाँ जो तुम्हें झूठी कहानियां सुना गया? वो कहानी झूठी है तो खाओ मेरी कसम और बताओ सच क्या है। कहो ये सारी दौलत तुमने पाप से नहीं मेहनत से कमाई है। मेहनत से आदमी सिर्फ झोपड़े बना सकता है भाभी, ऐसे शानदार महल नहीं खड़े कर सकता। बस करो भैया बस, तुम अपने भैया की भाषा भी भूल गए हो, उनके खूनियों की भाषा बोलने लगे हो। अब मैं इस नर्क में एक मिनट और नहीं रुक सकती। ये नर्क है तो वो स्वर्ग था क्या जिसे हम छोड़कर यहाँ चले आए, जहाँ एक बूढ़ी मशीन की मरम्मत के चंद रुपए बचाने के लिए दो मजबूत हाथ और एक जवान जिंदगी बीच में ही काटे जा सकते हैं, जहाँ 500 रुपए एक शाम के चंद लम्हों को हसीन बनाने के लिए खर्च किए जा सकते हैं, मगर एक जान एक खानदान को बचाने के लिए फैलाई हुई झोली में नहीं डाले जा सकते। पाप मेरे खून में नहीं है भाभी, और ना ही मेरी मां के दूध में था। पाप का जहर तो जुर्म की सुइयां चुबो चुबो कर मेरी रगों में भरा गया है, और जब तक ये सारा जहर मैं अपने दुश्मनों के मुंह पर नहीं थूक देता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। तुम नहीं सोच सकते, मैं सोच सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। भाभी तुमने घर के बाहर कदम रखा तो समझ लो मेरी लाश देखोगी। ये तुमने कैसी सौगंध डाल दी, मैं घर के बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर रह नहीं सकती तुम जैसे पापी के साथ। पापी पाप के रास्ते से पलट जाए तो भी नहीं, समझ लो भाभी पापी पाप के रास्ते से पलट गया, आज के बाद वो नहीं होगा जब तक उतर आए। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना भाभी? कालिया को छोड़कर कहीं भी जा सकती थी, लेकिन अपने कल्लू को छोड़कर जाऊंगी भी तो कहां जाऊंगी। Yes. Johnny said. कौन कालिया? हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कब और कहाँ? जब और जहाँ तुम चाहते हो कालिया। इस वक्त 10 बजे मड आइलैंड के टूटे हुए गिरजे के सामने 11 बजे मिल सकते हो। क्यों नहीं, पहले तुम आ गए लेकिन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखो। ठीक है। रावत मेरी गाड़ी निकालो। अभी लाता हूं शानी सेठ। लेकिन आज गाड़ी तुम नहीं चलाओगे, हम खुद चलाएंगे, क्योंकि जहां हमें आज जाना है अकेले जाना है। आज मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं शानी सेठ जो तुमने रवानी सेठ के साथ किया था। अपनी दुनिया का दस्तूर है, यहां ना कुर्सी दी जाती है न ली जाती है, सिर्फ छीनी जाती है। ये क्या, आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं शानी सेठ? शायद इस साथी की जरूरत पड़ गई।
वेरी गुड, आई लाइक दैट। तुम्हारी हरकत देखकर हमारा इरादा बदल गया। अब तुम और तुम्हारा साथी दोनों मेरे साथ जाएंगे। कम ड्राइव माय कार। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम बॉय। क्या बात है रावत, तुम बार बार घड़ी क्यों देखते हो? जी ड्राइवर की नजर सड़क पर रहनी चाहिए। सॉरी सर। मैं ये भी देख रहा हूं कि गाड़ी एयर कंडीशन है और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। बात क्या है रावत? नहीं कोई बात नहीं। रावत गाड़ी रोको, बॉनेट खोलो रावत। तुम हमें मारना चाहते थे बरखुरदार, तो कोई नई चाल सोची होती। जो खेल तुमने खेला है, इस खेल के तो हम पुराने उस्ताद हैं। शानी सेठ, मेरे और अपने दरमियान एक खून की लकीर खींची थी तुमने, जो या तो तुम्हारी मौत पे खत्म होती थी या मेरी मौत पे खत्म होती। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैंने वो खून की लकीर को खुद मिटा दिया। तुम्हारी मौत की घड़ी तो बहुत नजदीक आ चुकी थी। दुआएं दोस्त हाथ को जिसने घड़ी की सुई को पीछे मोड़ दिया। मगर ये मत समझना कि मैं तुमसे हार गया हूं। आज मैं तुम्हारे सामने हथियार डाल नहीं रहा हूं। ठीक है, मगर सानी सेठ डरना उस दिन से जिस दिन तुम मुझे हथियार उठाने के लिए मजबूर करोगे। अदालत खून की सारी कहानी सुन चुकी है और दोनों तरफ की शहादतें भी। मुजरिम ने खुद मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। मकतूल की लाश मिली तो कहां मिली? कातिल के बाजुओं में। चाकू पे जो निशान थे वो किसके थे? मुजरिम की उंगलियों के। खून के धब्बे मिले तो कहां मिले? मुजरिम के कपड़ों पे। इन कपड़ों को देखने के बाद इस पे शक नहीं रह जाता कि इस पेशावर मुजरिम ने सचमुच खून की होली खेली है। और मुझे अदालत को यह बताने की कोई जरूरत नहीं कि ऐसा खूनी किस सजा का हकदार होता है।
That's all, Your Honor. ऐसा खूनी मौत की सजा का हकदार होता है, लेकिन जुर्म साबित होना चाहिए। मिलॉर्ड, हमारे देश का कानून और इंसाफ दोनों इस बुनियाद पर खड़े हैं कि कटहरे में खड़ा हुआ मुलजिम उस वक्त तक मुजरिम नहीं माना जा सकता जब तक जुर्म साबित नहीं कर दिया जाता। मेरे काबिल दोस्त ने जो गवाह पेश किए उनमें से एक गवाह भी मौके वारदात पर मौजूद नहीं था। किसी ने खून से पहले के किस्से कहे तो किसी ने खून के बाद की दास्तां सुनाई। खून के मुकदमे में सबसे कीमती बयान उस गवाह का माना जाता है जिसने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा। जब तक ऐसा गवाह पेश नहीं किया जाता तब तक मुलजिम उस सजा का हकदार नहीं हो सकता जो सजा मेरे दोस्त मुलजिम के लिए मांग रहे हैं। मैं अपने फाजिल दोस्त की बात की तायद करता हूं। कत्ल के मुकदमे में चश्मदीद गवाह की बहुत बड़ी कीमत होती है। मुझे अफसोस है इससे पहले मैं ऐसा कोई गवाह पेश नहीं कर सका, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसा गवाह पेश कर सकता हूं। यह वो गवाह है जो खून के वक्त वहां मौजूद था और जिसने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या आप बता सकती हैं कि मुलजिम से आपका क्या रिश्ता है? देवर भाभी का। क्या ये सच है कि आप अपने देवर को अपने बेटे से बढ़कर मानती थी? अब भी मानती हूं। फिर भी आप कह सकती हैं कि आपने खून होते हुए देखा और इसे करते हुए देखा? जी हाँ। मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना। योर विटनेस। वकील साहब, आप मेरी भाभी से कुछ नहीं पूछेंगे। जिन होठों ने यह बयान दिया है उन होठों से निकली हुई आवाज को मैं हमेशा भगवान की आवाज समझता हूं और अब भी समझता हूं। मेरी भाभी ने जिंदगी में हमेशा सच कहा है, सच के सिवा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे यह खून करते हुए देखा है तो मैंने किया है यह खून। इसके बाद मैं अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहना चाहता। सिर्फ इकबाल जुर्म करना चाहता हूं और मैं इकबाल जुर्म करता हूं। यह खून मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कालिया। मैंने तुम्हें समझाया था कामयाबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई जिस सड़क पर तुम दौड़ रहे हो वो फांसी के तख्ते पे खत्म होती है। फांसी के जिस तख्ते से आप मुझे डरा रहे हैं जेलर साहब, वो मैंने खुद चुना है। मेरी मौत का फैसला तो जज ने सिर्फ लिखा है, लेकिन उस फैसले पे जिसने मोहर लगाई है मैं अभी उसे भगवान की तरह पूछता हूँ। मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी की है, तुमने जो कहा मैंने अदालत में कह दिया, अब तो मेरी बेटी वापस कर दो। अभी तो सिर्फ फांसी की सजा सुनाई गई है। जब तक कालिया फांसी के तख्ते पे झूल नहीं जाता मैं तुम्हारी बेटी वापस नहीं कर सकता। ये क्या है? तुम्हारे कल्लू का कफन लाई हूं।
वो तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। उसने तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया और तुमने उसे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। उसने तुम्हें क्या नहीं दिया था जो उसके दुश्मनों ने तुम्हें दिया है। मैं पूछने आई हूं, मौत की मंडी में तुमने कल्लू की जान कितने में बेची है। बस करो शालिनी, बस करो। मैं पूछ के रहूंगी। सोने की भूख का वो जो कुआं तुम्हारे अंदर है वो कितना गहरा है जो सिर्फ कल्लू की मौत या उसकी लाश से भर सकता है। नहीं नहीं शालिनी, हो सके तो ये कफन मुझे ही पहना दो और मुझे जिंदा ही बिठा दो जलती हुई चिता पे। मैं इसी सजा की हकदार हूँ। मैं तो इस जहां से भी गई और उस जहां से भी गई। मेरा कल्लू काल कोठरी में पड़ा है और मेरी बेटी के गले पे अब तक शानी सेठ की छुरी धरी हुई है। क्या भाभी ने जो किया वो ठीक किया है शालिनी? शानी सेठ ने जो कहानी शुरू की वो यहां खत्म ही होती है, यहां से शुरू होती है। कहानी का पहला शब्द उसने लिखा है, आखिरी लफ्ज मैं लिखूंगा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हो सकती है, वक्त कभी खत्म नहीं हो सकता। बड़ी ऊंची छलांग लगाई है कालिया। रघुबीर सिंह की जेल से भागने की कोशिश कई कैदियों ने की, लेकिन जितनी दूर तुम पहुंच गए हो आज, इतनी दूर पहले कोई नहीं पहुंचा। आजादी हर कैदी का ख्वाब होती है, लेकिन अभी अभी तुम्हारे अंदर खून की हर बूंद और बार तुम्हारे शरीर का रोम चीखेगा और कहेगा, कालिया तुमने ये ख्वाब देखा तो क्यों देखा। इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे? इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
किसी को बांध सका हाँ, कौन किसी को बांध सका, सैयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है, कौन किसी को बांध सका सैयाद सपने नए हैं और जंजीर है पुरानी, पहरेदार फाके से परसों राम धड़ाके से, होशियार भाई सब होशियार, रात अंधेरी रुद्र बरखा और काफिल सारा जमाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को सका सैयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन अरे पंछी को उड़ जाना है। जिसमें हिम्मत हो रास्ते में आके देखे, निकला शेर हांके से परसों राम धड़ाके से, जाने वाले को जाना है और सीना तान के जाना है, तोड़
के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका, सयाद को एक दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका, सयाद को एक दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। वो पंछी को उड़ जाना। आपकी रफ्तार मौत की रफ्तार से कम निकली जेलर साहब। कालिया जेल से भी आजाद हो गया और जिंदगी की कैद से भी आजाद हो गया। मैं कालिया को जिंदा कानून के हवाले करना चाहता था। उसने इस तरह मरकर मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। और मुझे तुमसे हमदर्दी है जेलर साहब। वक्त की बिसात पे किस्मत ने जो मोहरे बिछाए थे जेलर साहब, उनका रुख पलट गया है। अगर आपने एक कदम भी मेरा पीछा किया है तो इसके अंदर जितना लोहा है आपके अंदर काट दूंगा। मैं इस रिवॉल्वर से निकला हुआ सारा लोहा निकल जाऊंगा, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटूंगा। तुम मेरी जेल से भागे हुए कैदी हो और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं और उसी जगह वापस पहुंचा दूं जहां से कि तुम भाग कर आए हो। जिस तरह आप अपने फर्ज से मजबूर हैं जेलर साहब, उसी तरह मैं भी अपने फर्ज से मजबूर हूं। मोहरों का रुख एक बार फिर पलट गया कालिया। अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। तू आतिश दोजक से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। चला दीजिए गोली। आप तो खून की एक लकीर का पीछा करते हुए यहां आए थे,
मुझे आज अगर अपने खून की नहर में तैर के भी जाना पड़े तो भी जाके दिखा दूंगा, क्योंकि आप तो अपनी वर्दी और मेडल्स के लिए लड़ रहे हैं और मैं बचाने जा रहा हूं एक नन्ही सी जान को जो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। नन्ही सी जान? हाँ, इनकी भाभी की बेटी जिसकी जान बचाने के लिए भाभी ने खून का झूठा इल्जाम अपने देवर पर धर दिया और देवर ने उसे कबूल कर लिया। अगर यह कहानी भी आपको झूठी लगती है तो आपको जो करना कर लीजिए, मैं जा रहा हूं। रुक जाओ कालिया, तुमने अगर किसी शेरनी का दूध पिया है तो मैंने भी किसी भेड़ का दूध नहीं पिया। उस नन्ही सी जान का जिक्र करके तुमने मेरे दिल का वो तार छेड़ दिया है जो कह रहा है रघुवीर सिंह आज तुम वो जुआ खेल दो जो तुमने पहले कभी नहीं खेला। जहां तुम जा रहे हो कालिया, मैं वहां तुम्हारे साथ चलूंगा, ये समझ लो। पहले तुम्हारे दो हाथ थे, अब चार हाथ हैं। तुम्हारा बाप शानी कहाँ है बताओ, वरना गोली चल गई तो सारा अता पता पूछ कर वापस आ जाएगी। बताओ, शानी सेठ और ले चलो मुझे मुन्नी के पास। तुमने जितनी आतिशबाजी करनी थी कालिया कर ली, जहां तुम इस वक्त खड़े हो वहां मौत की बिसात बिछी हुई है। बिसात बिछाई है तो मर्द के बच्चे दम है तो सामने आओ, अब पहली चाल चलो अपनी। खेल तो बाद में शुरू होगा, पहले यह तो देख लो बाजी पे दाव क्या लगा है तुम्हारा। मम्मी, तुमने अकल की बात की कालिया, जो वापस सफेद खाने पे आ गए।
नहीं तो मुन्नी आटे की तरह पिसके रह गई होती। अब एक नजर उधर भी देख लो। खबरदार कालिया, कदम आगे मत बढ़ाना। इस पूरी बिसात पर सिर्फ वो सफेद खाना जिंदगी का है, बाकी सारे खाने मौत के हैं। भूल कर भी अगर तुम्हारा पांव उस लाल खाने में पड़ गया, तुम्हारी मुन्नी नहीं बचेगी, और अगर इस हरे खाने में पड़ गया, तुम्हारी भाभी नहीं बचेगी। वो सिर्फ एक शर्त पर जिंदा रहेंगे, अगर तुम उस सफेद खाने में रहो। इस खेल का एक और कायदा भी सुन लो, इसमें सारी चालें मैं चलूंगा और तुम एक चाल भी नहीं चल सकोगे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह हाथ किस लोहे का बना है जिसे तुम काटना चाहते थे। मगर तुमने अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो ये तनी हुई बंदूकें तुम में इतना छेद कर देंगी कि तुम गिन भी नहीं सकोगे। ये पहला सैंपल उस चोरी के लिए है जो तुमने मेरे घर में की, इसलिए जरा नरम था। ये दूसरा सैंपल उस आग के लिए है जो तुमने मेरे कारखाने में लगाई, इसलिए जरा सख्त था। और ये उस अनमोल हीरे के लिए था जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार। चाचू, चाचू, बचाओ। और ये सुनहरी घूंसे उस सोने के लिए थे जो डॉक्स पे उतरा तो था मेरे लिए, लेकिन पहुंच गया तुम्हारे घर। अभी से लड़खड़ाने लगे बरखुरदार? अभी तो मुझे बहुत से हिसाब चुकता करने हैं। तुम्हारा हिसाब अगर मेरी मौत से चुकता हो तो चुका लो शानी सेठ, मगर इन मासूमों को छोड़ दो। इन मासूमों को छोड़ दूं और खुद मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊं? नहीं कालिया, नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मौत के बाजार में अपनी जान की कीमत हर दूसरे की जान से ज्यादा होती है। तुम्हारे जैसे कमीने को प्यारी होती होगी अपनी जान। मेरे पास अगर हजार जाने भी होती ना, तो मैं उसे भाभी के पांव और मुन्नी के सर पे वार देता। मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूं, इसीलिए तो तुम्हारी जान भी ले रहा हूं मैं। आहिस्ता आहिस्ता। शाबाश कालिया, मुन्नी को तो तुमने बचा लिया, अब अपनी भाभी की जिंदगी का डूबता हुआ सूरज तुम अपनी आंखों से देखोगे। अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें। कल्लू, बस मेरे लिए अब एक ही काम बाकी रह गया है कि तुम्हें हथकड़ी पहनाऊं और वहां पहुंचा दूं
जहां तुम अपने जुर्म के लिए इस बेगुनाह को फांसी लगवाने वाले थे। रिवॉल्वर फेंक दीजिए जेलर साहब, नहीं तो यहां पर एक जान चली जाएगी। शाबाश खड़क सिंह, तुमने इस कहानी को फिर एक नया मोड़ दे दिया। बांध दो इन लोगों को। आपको याद है जेलर साहब, आज से 20 बरस पहले आपका एक कैदी आपकी बेटी को आप ही के घर से उठा के ले गया था। जरा गौर से देखिए मेरी तरफ जेलर साहब, वो कैदी आपके सामने खड़ा है। जसवंत। हाँ जेलर साहब, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपकी प्यारी नन्ही मुन्नी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? यही पिताजी। रानी, पिताजी। रानी बेटिया, मेरी बेटिया। रानी पिताजी, ओ गॉड, आज मैं कितना खुश हूँ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। ऐसी एक मुलाकात आज से 20 बरस पहले एक कैदी और उसकी बीवी के बीच हो रही थी। तब आपका हंटर चला था और आपकी आवाज आई थी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मगर आपका हंटर चमड़े का नहीं था, आग का था। इतने बरस बीत गए लेकिन आज तक मेरी पीठ पर दर्द के अंगारे दहकते हैं। आज वो अंगारे ठंडे हो जाएंगे जब मेरा हंटर आपकी मोटी खाल नहीं उधेड़ेगा, आपकी बेटी की फूल जैसी नाजुक खाल को थून के रख देगा। चिल्लात कहीं का तुम्हें जितनी चालें चलनी थी चल चुके शानी सेठ, अब मेरी बारी है। जुर्म की शतरंज तुम्हीं ने मुझे सिखाई है शानी सेठ। मैं तो एक मामूली प्यादा था जो सिर्फ एक घर चलता था और मार खा जाता था। तुम्हीं ने मुझे वजीर बनाया है जिसकी पहुंच चारों तरफ होती है, मार भी जिसकी चारों तरफ होती है, जैसे ये मार। ये पहली मार उन 500 रुपयों के लिए है जो तुमने एक तवायफ को दे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए। और ये मेरे भाई के मौत के लिए जिसने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर और कोई चीज नहीं। और ये उस इंसान की मौत के लिए जो कभी मैं था, कल्लू, एक सीधा साधा आदमी जिसे तुमने अपने जैसा बना दिया, एक शैतान। तुम्हारी सबसे आसान मौत तो यही होगी कि मैं तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जान लूंगा जरूर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं शानी, और अब तुम्हें वहां लेके चलता हूं जहां तुम्हारी असली जगह है।
रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुबीर सिंह की जेल में ना जाओ। आईजीपी साहब, आप मुझे लेके जाएंगे बाहर। चलिए चलिए। बेटी, आज मैं अपना कैदी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, लेकिन इसे बहुत जकड़ के पकड़ के रखना, कैद से भाग जाने की इसकी पुरानी आदत है। एक बात आपसे पूछनी थी नए जेलर साहब, मुख्तार सिंह का नाम सुना है आपने? नहीं। अरे फिर क्या सुना आपने? मुख्तार सिंह वो आदमी है जिसके नाम से सारी दुनिया। जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं, जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या कहते हैं। ए छोजी की, ए छोजी की।